नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कृषि सहकारी समितियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। शहर के सिद्धारूण मठ में 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम का आयोजन। हम कन्नड़ सरकार के समर्थक है, नौकरियों में आरक्षण विवाद पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा। केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना ने रेलवे अधिकारियों से कन्नड़ सीखने को कहा। कर्नाटक भाजपा चाहती है कि विधानसभा में नौकरी कोटा विधेयक पेश किया जाए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखें समाचार विस्तार से। कर्नाटक राज्य सहकारी महामंडल नंबर बैंगलोर बीदर जिला सहकारी संघ बीदर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बीदर सहरदा प्रशिक्षण केंद्र डीसीसी बैंक नोवाडा बीदर और सहकारी विभाग बीदर और औरा तालुके के तत्वधान में आने वाली प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए सहरदा प्रशिक्षण केंद्र डीसीसी बैंक नौबाद बीदर में एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्रीमती मंजुला एस ने किया। शहर के सिद्धारूण मठ में 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मठ के प्रशासन ने बताया कि शिव कुमार स्वामी जी की मौजूदगी में मठ में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हवागी राव मैलारे ने कहा कि सुबह 6 से 8 बजे तक सिद्धारूढ़ महाराष्ट्र महारुद्राभिषेक, 9 से 10 बजे तक गुरुस्तोत्र एवं भजन होंगे। उन्होंने बताया कि सुबह 10:30 बजे श्री का आशीर्वाद होगा। इसके बाद साधक साधिकाओं द्वारा षोडशोपचार का पाद पूजन, स्वर्ण मुकुट धारण एवं कनक पुष्प वर्षा होगी। चालकापुर की कस्तूरीबाई बसवंतरा बिरादर इंडी शिवलीला रुकप्पा पाटिल और बालभीम पुटानीगिर शिव कुमार स्वामी जी को सिक्कों से तोलेंगे। श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482121297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि उनकी सरकार चाहती है कि कर्नाटक में हर कन्नड़िका को नौकरी मिले। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि हमारी सरकार कन्नड़ समर्थक है और हमारी प्राथमिकता कन्नड़िकाओं के कल्याण की देखभाल करना है।
हमारी सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ी गांव को कन्नड़ की भूमि में नौकरियों से वंचित न होना पड़े और उन्हें मातृभूमि में एक आरामदायक जीवन जीने का अवसर दिया जाए। हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं। इससे पहले दिन में सिद्धरामैया ने कहा कि मंत्रिमंडल ने एक विधेयक को मंजूरी दे दी है जिसके तहत कर्नाटक में सभी निजी उद्योगों के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों में केवल कन्नड़ लोगों को ही नियुक्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस पोस्ट को हटा दिया है। बाद में शाम को सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि निजी क्षेत्र के संगठनों, उद्योगों और उद्यमों में कन्नड़ लोगों के लिए प्रशासनिक पदों के लिए 50% आरक्षण और गैर प्रशासनिक पदों के लिए 75% आरक्षण लागू करने वाला विधेयक अभी तैयारी के चरण में है और अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय रेल और जल शक्ति राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने कर्नाटक में कार्यरत रेलवे अधिकारियों को प्रशासनिक सुविधा के लिए कन्नड़ सीखने की सलाह दी है। मंगलूर में रेलवे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए सोमन्ना ने कहा कि जब वे युवा थे तो उन्होंने हिंदी थोपे जाने का विरोध किया था और जेल भी गए थे, लेकिन अब मुझे हिंदी का महत्व समझ में आ गया है। मैं रोजाना सुबह 6 बजे उठता हूँ और हिंदी में अक्षर लिखना सीखता हूँ। सोमन्ना ने कहा कि अगले 6 महीनों में वह हिंदी में पत्र लिखना और संसद में भाषण देना सीख लेंगे। उन्होंने कहा कि कन्नड़ सीखना मुश्किल नहीं है, इसीलिए उन्होंने विधायकों से रेलवे अधिकारियों को भाषा सीखने के लिए सामग्री उपलब्ध कराने को कहा। सांसद ब्रजेश चौटा ने कर्नाटक में काम करने वाले रेलवे अधिकारियों को कन्नड़ सीखने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला ताकि यह धारणा दूर हो सके कि बाहरी लोग नौकरियां हथिया रहे हैं। उन्होंने कहा कई अधिकारी कन्नड़ जानते हैं, या तो उन्हें पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए या फिर यहाँ काम करने वालों को कन्नड़ सीखना चाहिए। कर्नाटक में भाजपा ने गुरुवार को सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी कि अगर वह मौजूदा विधानसभा सत्र में स्थानीय लोगों के लिए नौकरी में आरक्षण संबंधी विधेयक पेश करने में विफल रही तो उसे कन्नड़ लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। भाजपा के राज्य प्रमुख बीवाई विजेंद्र ने कहा, कन्नड़ लोगों के लिए नौकरियों को आरक्षित करने वाला विधेयक जो ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों बेरोजगारों के लिए आशा की किरण लेकर आया था, जो पात्र है लेकिन नौकरी के अवसरों से वंचित है, उसे चालू सत्र में ही पेश किया जाना चाहिए, अन्यथा कन्नड़ लोगों के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार है। विजेंद्र ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री जो वर्तमान में आदिवासी कल्याण बोर्ड घोटाले और MUDA घोटाले से हिल गए हैं, ने घोटालों की चर्चा और जांच को भटकाने और जनता को विचलित करने की साजिश के तहत कन्नड़ जनहितैषी विधेयक को रोका है, तो राज्य के लोग कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर MEd एंड BEd कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर MEd एंड BEd कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर MEd एंड BEd कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482121297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। डबल डेकर फ्लाईओवर को आंशिक रूप से जनता के लिए खोलने के बाद उपमुख्यमंत्री और बेंगलुरु विकास मंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि भविष्य की मेट्रो परियोजनाओं में डबल डेकर फ्लाईओवर मॉडल का पालन किया जाएगा। सिल्क बोर्ड से जयनगर में रागीगुड्डा तक शहर के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का ट्रायल रन के लिए उद्घाटन करते हुए शिवकुमार ने कहा, इन दिनों भूमि अधिग्रहण मुश्किल है, डबल डेकर फ्लाईओवर यातायात को आसान बनाने में उपयोगी है, हालांकि वे थोड़े महंगे हैं। शिवकुमार ने कहा, 5.25 किलोमीटर लंबे इस डबल डेकर फ्लाईओवर की लागत 450 करोड़ रुपए है, जिसे बीबीएमपी और बीएमआरसीएल ने साझा किया है। मौजूदा लागत संरचना को देखते हुए यह महंगा नहीं है। मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी और मैंने बेंगलुरु में यातायात को आसान बनाने के लिए कई चर्चाएं की हैं। इस फ्लाईओवर से होसूर रोड, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, एचएसआर लेआउट और महादेवपुरा की ओर आने जाने वाले लगभग 30% लोगों को लाभ होगा। कारवार कुमता रोड NH66 पर अंकोला के पास भूस्खलन स्थल पर बचाव अभियान में शामिल एनडीआरएफ की टीम ने गंगावली नदी में गिरे ईंधन टैंकर को किनारे से बांधकर एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। भारी बारिश के बाद मंगलवार सुबह करीब 8 बजे शिरूर में बिलासी गांव के पास एक पूरी पहाड़ी हाईवे पर खिसक गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भूस्खलन में एक होटल, एक ईंधन टैंकर सहित कई वाहन और हाईवे का एक हिस्सा बह गया। ईंधन टैंकर नदी में तैर रहा था और इधर उधर उछल रहा था। अधिकारियों को डर था कि यह मंजुगिनी पुल या किसी चट्टान से टकरा कर फट सकता है, जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को बचाव केंद्र में भेज दिया था। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के कर्मियों ने बुधवार को टैंकर को नदी के किनारे एक स्थिर वस्तु से बांधने में कामयाबी हासिल की। स्थानीय निवासियों ने बताया कि भूस्खलन के समय घटनास्थल पर 3 टैंकर खड़े थे, इनमें से एक टैंकर नदी में चला गया जबकि 2 टैंकर मलबे में दबे हुए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा कुछ ट्रक और एक कार भी मिट्टी में दबी हुई है, लेकिन इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बेंगलुरु के विधायकों, मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की और शहर से संबंधित विकास परियोजनाओं पर चर्चा की। चर्चा में पेरिफेरल रिंग रोड PRR, स्काईडेक का निर्माण, ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान, सुरंग सड़कों का निर्माण, उच्च घनत्व वाले गलियारे का विकास और अन्य बड़ी परियोजनाओं पर चर्चा की गई। तूफानी नालों के बफर जोन में सड़कों के निर्माण पर भी चर्चा की गई। PRR परियोजना पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हालांकि 4 से 5 बार निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी इसे लेने के लिए आगे नहीं आया है। उन्होंने संसाधन जुटाने के लिए विभिन्न संभावनाओं और अवसरों का सुझाव दिया और कहा कि कैबिनेट के समक्ष एक विस्तृत प्रस्ताव पेश किया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र से मिली कड़ी प्रतिक्रिया के बाद कर्नाटक सरकार ने बुधवार रात को इस क्षेत्र में नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाली अपनी प्रस्तावित नीति को स्थगित करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, बिल अभी भी तैयारी के चरण में है, अगली कैबिनेट बैठक में व्यापक चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। कर्नाटक राज्य उद्योग कारखाने और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार देने संबंधी विधेयक 2024 में हाल ही में कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस विधेयक में कन्नड़ लोगों के लिए निजी क्षेत्र में प्रबंधन श्रेणी में 50% और गैर प्रबंधन श्रेणी में 75% आरक्षण का प्रस्ताव है। उद्योग संगठनों ने सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। व्यापार संगठनों ने कहा था कि कन्नड़ लोगों के लिए ग्रुप सी और डी की नौकरियों में प्रस्तावित 100% आरक्षण संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। उद्योग मंत्री MB पाटिल ने कहा कि CM ने उचित संज्ञान लिया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कृषि सहकारी समितियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू। शहर के सिद्धारूढ़ मठ में 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम का आयोजन। हम कन्नड़ सरकार के समर्थक हैं, नौकरियों में आरक्षण विवाद पर कर्नाटक के CM सिद्धरामैया ने कहा। केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना ने रेलवे अधिकारियों से कन्नड़ सीखने को कहा। कर्नाटक भाजपा चाहती है कि विधानसभा में नौकरी कोटा विधेयक पेश किया जाए। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।